चलो वेलकम बैक। हमने जो लास्ट टाइम टॉपिक स्टार्ट करा उसका नाम था कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि कंपनीज के लिए मैंडेटरी होता है कि वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाए उसमें उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाना होता है। फिर मैंने आपको बोला था कि ये तो ठीक है मैंडेटरी करते हैं कंपनी करते हैं, पर इससे कुछ फायदे भी होते हैं जो आपको पता चलता है। एक इम्पोर्टेंट बोला था कि आपको आइडिया मिलता है कि कैश कहाँ से आया और कहाँ यूटिलाइज हो गया। और फिर मैंने डिटेल में आपको एक एग्जांपल दी थी कि अगर कंपनी का प्रॉफिट भी है और उसके बाद भी उसने फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश ले लिया है, तो समझ आएगा ये सही चीज करने का नहीं था, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी कैश प्रॉफिट आया था। फिर आपको क्या जरूरत थी कि आपने और कैश ले लिया, उस पर आपने इंटरेस्ट देना होगा या डिविडेंड देना होगा, तो फालतू में वो एक समझ आएगा कि कंपनी का वो गलती प्रोसेस। या दूसरे तरीके से ऐसा होता है शेयर होल्डर बोलते हैं यार प्रॉफिट तो इतना आया कंपनी को तो, बट इसके पास कैश क्यों नहीं है, तो कैसे पता चलेगा ये कैश कहाँ गया जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो। ये हमने पढ़ा था। इसमें फिर मैंने आपको बताया था कि मोटा मोटी जो फॉर्मेट रहता है, हम पहले निकालते हैं मतलब जितने भी हमारी एक्टिविटीज होती है उनको हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो एक हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो गया, दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो गया, और तीसरा हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फिर हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है हमारी जो प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज है, वो मेन जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ उसके कंटेक्स में जो भी एक्टिविटीज होती है, जैसे सेल्स है, परचेज है, रेंट का पे करना, सैलरी का पे कर लेना, ये डेटर्स को पैसा, डेटर्स से पैसा लेना, क्रेडिटर्स को पैसा देना, ये सारी एक्टिविटीज, ये सारी ट्रांजेक्शन जो है ये मेरी प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेट एक्टिविटीज है और ये मेरी कहलाई जाएगी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो पहले हम निकालेंगे ये देखते हुए कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमें कैश आया नेट में, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमारा कैश ओवरऑल चला गया। उसके बाद फिर हम लोग दूसरा देखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मैंने आपको बोला था कि जो आपके फिक्स्ड एसेट्स है या कहीं पे इन्वेस्टमेंट्स है वहां पे अगर आपने पैसा लगा लिया या वहां से कोई पैसा रियलाइज कर लिया, दैट विल बी डिस्क्राइब्ड एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो दैट इज मैंने वर्ड यूज किया था डिस्पोजल ऑफ एसेट और एक्वायरमेंट ऑफ एसेट। एक्वायरमेंट मतलब परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होती है। एंड देन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में था आपके जो आप लोन लेते हो या आपके कैपिटल रेज कर लेते हो या उनको आपने रिपे कर लिया, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो तीनों का निकालते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश आया कि कैश गया नेट में पता चलेगा, या तो इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा, इस फिर इन्वेस्टिंग में इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा, एंड देन फाइनेंसिंग में इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा। फिर तीनों का टोटल करेंगे ना तो आपको पता चलेगा साल में ओवरऑल क्या हुआ है, पैसा जो आपका बिगिनिंग था उससे ज्यादा आया कि कम हो गया, नेट में क्या हो गया, चेंज क्या होगी कैश में, या प्लस होगा या माइनस होगा। अगर ज्यादा आ गया कैश तो इनफ्लो हो गया, और अगर कैश निकल ही गया तो आउटफ्लो होगा, उसको ऐड करेंगे हम ओपनिंग बैलेंस तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस निकल जाएगा, तो वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर मैंने आपको लिया था उसके बाद कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से अगर हमें निकालना होगा कैश फ्लो, उसके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो उसके दो तरीके हैं, एक था डायरेक्ट दूसरा था इनडायरेक्ट। यहाँ तक हमने ऑलरेडी पढ़ा था, एक था डायरेक्ट दूसरा था इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या हो रहा था, डायरेक्ट में जस्ट एक मिनट आप लोग होल्ड करना, मुझे एक अर्जेंट कॉल आ रही है, एक मिनट। हाँ सॉरी, तो मैंने आपको बता दिया कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हमारे फिर दो मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मतलब क्या, डायरेक्टली हम देख लेते हैं कि भाई कैश कहाँ से आया कैश कहाँ से गया, तो उसमें आपका आया पहले हम बोलेंगे कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो कहाँ से आएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में बताओ, कैश इनफ्लो सेल्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपको आइडेंटिफाई करना है और उसमें देखना है यार सेल्स आती है, तो अगर आप कैश सेल्स होगी तो वहां से आपको कैश आएगा, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से डायरेक्ट हो गया। डेटर ने आपने पैसा दिया तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, तो सीधे देखना है जो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है वहां से जहां से कैश आएगा वो हो गया कैश इनफ्लो, और गया कहां पे कैश, आपने कैश परचेज कर ली, आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर लिया, क्रेडिटर्स को पेमेंट कर लिया, आपने रेंट पे कर लिया, आपने सैलरी पे कर लिया,
ये सारा आपका कैश आउटफ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी या इनकम टैक्स पे कर लिया तो प्लस माइनस करके आपको नेट फिगर निकलेगी प्लस या माइनस। ये तो बहुत आसान है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज इनडायरेक्ट मेथड। क्या है इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट इसमें हम बेसिस क्या लेते हैं? नेट प्रॉफिट प्रॉफिट। एज पर पीएनएल। ये मैंने लास्ट टाइम कराया था, बहुत डिटेल में मैंने कराया था। उसके बाद एक और लेक्चर मैंने दे दिया था जो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया था 1-2 साल पहले, वो भी मैंने शेयर किया था आपको। तो इसमें हम आप फोकस करो, हमें निकालना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मेरा साल में कैश आया है कि कैश गया है, ये मुझे दिखाना है। तो इसके लिए मैं क्या बेसिस ले रहा हूं पहले? नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस। और मैंने क्या समझा था आपको? ये क्यों ले रहे हैं? ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि भाई अगर मैं बोल रहा हूं मैंने इस साल प्रॉफिट 10 लाख रुपया कमाया या 1 लाख रुपया कमाया, इट मीन्स 1 लाख रुपया मेरे को कैश आया होगा। ठीक है, ये मैं एज्यूम कर रहा हूं। अब इस एजम्पशन को मैंने वैलिडेट करना है, तो जो जो चीजें इसमें नहीं होंगी उनको मैंने बाहर निकालना है। एग्जाम्पल, जब मैं बोलता हूं कि ये तो नेट प्रॉफिट है, आपको पता है नेट प्रॉफिट तो पूरे बिजनेस का आता है। इसमें आपका अगर कोई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आया है या कोई फाइनेंसिंग एक्टिविटी का खर्चा गया है वो इसमें नहीं जाना चाहिए। टू अराइव एट अ फिगर फॉर द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यू नीड टू एक्सक्लूड द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, यू नीड टू एक्सक्लूड द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बिकॉज आपका फोकस क्या है यहाँ पे ढूंढना कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना आया। मैंने अगर बेस दिया नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल और मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पीएनएल में 1 लाख रुपया सपोज है, तो मैं अगर बोलूंगा कि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है तो ये बात गलत होगी। जब तक मैं क्या नहीं करूंगा कि अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उसको मुझे यहां से हटाना पड़ेगा। एग्री विद मी और नॉट? अगर कोई इसमें इस 1 लाख में मेरे को पूछता है ऑपरेटिंग के लिए, मेरे को पूछना ऑपरेटिंग के लिए, तो इसमें अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग का चीज गया हुआ उसको मुझे बाहर करना पड़ेगा इससे, है कि नहीं? अब इसमें क्या हो सकता है? अगर इनकम होगी, अगर नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो सकती है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो सकता है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो सकती है, नॉन नॉन ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो सकता है। एक्सपेंसेस। अब मुझे बताओ, अगर नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम अगर इसमें होगी तो उसके बगैर, नॉन ऑपरेटिंग के बगैर इनकम कम होगी ज्यादा होगी? उसके बगैर उसके बगैर क्या होगी? कम होगी। अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरा अभी नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट लॉस 1 लाख है और उसमें हाँ एक मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम 10,000 है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम 10,000 है, तो मेरे बच्चों मुझे बताओ, मुझे अगर बोलना होगा कि ऑपरेटिंग इनकम कितनी होगी तो वो 90,000 होगी कि 1,10,000 होगी? 90,000 90,000। क्यों सर? सर आपकी ऑपरेटिंग इनकम थी 90,000, आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम थी 10,000, वो दोनों पीएनएल में ऐड होगी तो आपका फिगर आया 1 लाख। बट आपको पूछना है सर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए कि ऑपरेटिंग से कितना कमाया, तो मैं बोलूंगा कि मैंने एक रूल बनाऊंगा कि मेरी जो भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी उसको मुझे लेस करना पड़ेगा। डू यू एग्री विद मी नॉट? कोई भी चीज रट्टा नहीं लगाना है, मैंने बार बार बोला। देखो मैं आज 15-20 दिन बाद आपको पढ़ा रहा हूं, तो क्या मैंने बुक देखी है? द आंसर इज ब्लू। आपको तब भी जब पढ़ाया तो 3 साल बाद पढ़ाया, तो क्या मैंने बुक देखी? द आंसर इज ब्लू। वो 3 साल पहले वालों को जब पढ़ाया उन उससे पहले 6 साल पहले पढ़ा था। तो मेरे को अगर ये चीजें याद रह रही है इसके पीछे लॉजिक क्या है, रीजन क्या है? मैं तो बुक नहीं देख रहा हूँ, मैं चीजों को लॉजिकली देख रहा हूँ। तो आपको उस लॉजिक को पकड़ना है। अगर आप उस लॉजिक को पकड़ गए तो आपसे गलती नहीं लगेगी। तो पहुंचना कहाँ है उसको लॉजिकली समझ लो, आप खुद ही बोलोगे कि क्या करना चाहिए। पहुंचना हमें ये है, पहुंचना हमें ये है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मेरा साल में कितना कैश आया होगा, वो मुझे पहुंचना है। अब तरीका यह है, या तो मैं डायरेक्टली बोलूंगा भाई ऑपरेटिंग से कहां से आया, ऑपरेटिंग से कहां से गया, वो गया डायरेक्ट मेथड, वो मैं नहीं कर रहा हूं, मैं इनडायरेक्ट मेथड से निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तो इनडायरेक्ट मेथड से जब मैं निकालूंगा तो मैंने बोला कि ठीक है मैं ऐसा करता हूँ, मेरे पास जो पीएनएल है उसको बेस बनाता हूँ और वहां पर जो मुझे नेट फिगर आ गई है, नेट प्रॉफिट एंड लॉस, इसको मैं मानता हूँ ये सारा ऑपरेशन है। अब पता चला कि नहीं, इसमें तो एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम है 10,000 की, तो मैं आपको बोल रहा हूँ इस नॉन ऑपरेटिंग इनकम को मैं ऐड करूं कि लेस करूं? लेस करूंगा सर, क्योंकि ये ऑपरेटिंग नहीं है, तो मैं सर 10,000 लेस करूंगा, तो मैं बोल सकता हूं कि 90,000 मेरा ऑपरेटिंग हो सकता है। अब एक और चीज है, मेरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, सब मेरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 5,000 का। अब मुझे बताओ
नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस अगर 5,000 है और मुझे पूछना है ऑपरेटिंग के लिए, तो इस 5,000 को मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा ऐड लेस करूंगा, ऐड 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 करूंगा। नातिका बेटा क्यों ऐड करूंगा, बिकॉज सर बिल्कुल अगर मेरा अभी 1 लाख रुपया नेट प्रॉफिट आया है, और ये नेट प्रॉफिट ऐसे आया है कि इसमें पहले कुछ एक्स फिगर था, उसमें से 5,000 मैंने नॉन ऑपरेटिंग लेस किया था, इट मींस ऑपरेटिंग से तो मैंने 1,05,000 रुपया कमाया था ना, वहां से 1,05,000 रुपया कमाया था, उसमें से 5,000 मेरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया है, तो उस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड करूंगा टू अराइव एट द फिगर ऑफ द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो अभी तक मैं बोल सकता हूँ कि ये जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम था इसको मैं माइनस करूंगा, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा उसको ऐड करूंगा। तो आपका रूल क्या बना, अगर आप देखो साइड, अभी मैं आपको लॉजिकली एक ही चीज पढ़ रहा हूँ, फिर इसके लिए साइड साइड में फॉर्मूला लगा देंगे। तो फॉर्मूला बनेगा, यू टेक द बेस एज नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल, देन ऐड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अगर आप इतना रट्टा ही रखोगे तो भूल जाओगे, अगर आप रट्टा ही याद रखोगे तो भूल सकते हो एग्जाम में, बिकॉज एग्जामिनेशन डे में क्या होता है ना, प्रेशर होता है, घर पे तो मस्ती में बैठा होता है, आपने नोटिस किया होगा जब भी आप कभी तो पेपर देने जाते हो तो ब्लड प्रेशर थोड़ा सा तेज होता है, थरथराहट होती है, टेंशन होती है, तो उस प्रेशर में गलती होने के चांस है। गलती किससे नहीं लग सकती, जिसके लॉजिक स्ट्रांग होंगे, जिसके कंसेप्ट क्लियर होंगे, उसको जहां भी बिठाओगे वो डरेगा नहीं। तो ये मैं फॉर्मूला आपको साइड में बताऊंगा, बट उसके पीछे लॉजिक है। तो फॉर्मूला क्या बना है, नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल को हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है वो ऐड करेंगे, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो है वो लेस करेंगे। ये फॉर्मूला है, इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि सर मेरे को पूछना कहाँ है, मेरे को पूछना है कि ऑपरेटिंग से कितना कमाया होगा, क्या है। तो सर अगर इसमें ये जो मेरे को फिगर आ रही है, अगर मैं इसको मान भी लूंगा कि 1 लाख को अगर मैं मान भी लूंगा ऑपरेशन से, सर इसमें तो एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम है 10,000 की, उसको मुझे बाहर करना पड़ेगा, तो सर 90,000 आ गए। फिर पता चला एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इसमें से लेस हुआ था, बट मेरे को ऑपरेशन से रहता तो ऑपरेशन तो ज्यादा कमाया था ना, तो वो 5,000 ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब मैं एक और चीज ऐड करूंगा, नॉन कैश एक्सपेंस। अगर कोई नॉन एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग है बट वो नॉन कैश है, अगर नॉन ऑपरेटिंग है तो इससे बाहर हो जाएगा, अगर नॉन ऑपरेटिंग है तो उससे बचाए, अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस है बट वो नॉन कैश है तो वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा। एग्री विथ मी और नॉट, यस सर कोई मुझे आप में से एग्जाम्पल दे सकता है एक नॉन कैश एक्सपेंस, नॉन कैश नॉन कैश डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक ही होता है, बताओ, डेप्रिसिएशन। ठीक है मुन, सर आपने ही बोला था ना परसों अभी किसने बोला, तो डेप्रिसिएशन क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस है। मेरे को कहाँ पूछता है, ऑपरेशन से कितना कमाया। देखो बेटा मैंने ऑपरेशन से 1 लाख रुपया अभी कमाया है ना, सपोज है ना, बट ये 1 लाख जब पीएनएल में आपको बनाऊंगा, पीएनएल में मैंने क्या किया होगा, पीएनएल में मैंने एक एक्सपेंस डाला है टू डेप्रिसिएशन 10,000, तो ये जो मेरे को नेट फिगर मानने का आएगी ये आ गई, ये 10,000 लेस करती है, बट अगर देखा जाए तो कैश प्रॉफिट तो मेरा ज्यादा है ना, क्योंकि ये नॉन कैश है। मेरे को अभी फोकस ये नहीं देखना मेरा प्रॉफिट आया कि लॉस है, मेरे को फोकस है कि ऑपरेशन से मुझे कितना कैश आया, मैं ओवरऑल पिक्चर के लिए बॉदर्ड ही नहीं हूँ। माई ओनली कंसर्न आउट हियर इज टू आइडेंटिफाई द कैश विच आई हैव जनरेटेड फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो मैं ऑपरेशन से एंगल से देखूंगा। तो बेटा ये जो 10,000 रुपये लेस हुआ है, सिंस दिस इज नॉन कैश एक्सपेंस, मैं इस 10,000 को क्या करूंगा, मैं इस 10,000 को ऐड करूंगा। तो मेरा रूल बना कि प्रॉफिट एंड लॉस है, मैं कोई भी नॉन कैश एक्सपेंस उसको ऐड करूंगा, ये फॉर्मूला है। लॉजिक क्या है कि भाई कैश तो गया नहीं है ना, कैश तो ज्यादा कमाया होगा, तो अराइव एट कि कैश कितना कमाया होगा, तो कैश को ऐड करूंगा। यहां तक समझ आया, ठीक यस सर है। फिर हमने क्या करनी है, इसके बाद फिर हमें वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है, क्या करनी है इसके बाद फिर हमें, तो ये तो पीएनएल के एडजस्टमेंट होगी, जो आपको पीएनएल के एडजस्टमेंट में ये सारा चीज आ जाएगा। फिर इसके बाद आपको वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है, क्या करनी है इसमें, वर्किंग वर्किंग कैपिटल कैपिटल मतलब अदर देन, अभी तो आपने फोकस किया इनकम और एक्सपेंस पे, अदर देन इनकम एक्सपेंस पे कर लिया, बट यू नो वेरी वेल कि जो बिजनेस में होता है वो सिर्फ इनकम और एक्सपेंस की वजह से, कैश और एक्सपेंस नहीं, कैश और कैश आता और जाता नहीं है, देयर आर अदर देन इनकम पर एक्सपेंस, देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो, दे फॉल अंडर कैपिटल लाइबिलिटी एंड एसेट। आपके 5 चीजें होती हैं, कैपिटल लाइबिलिटी एसेट
इनकम और एक्सपेंस, है ना, पढ़ते हो ना मॉडर्न अप्रोच से। ये पांच तरह के अकाउंट्स होते हैं जिसका आपने शॉर्टकट फॉर्म रखा है, क्लियर, CLEAR, कैपिटल, लाइबिलिटीज, रेवेन्यू और बीच में एक्सपेंस और इनकम। अभी आपने एक्सपेंस और इनकम को क्या कर दिया, रेवेन्यू बोले तक, इन दो को आपने अभी इसमें इफेक्ट दे दिया। तो ऑपरेशंस के लिए निकालने के लिए आपको कैपिटल तो छोड़ दो, वो तो लॉन्ग टर्म है, एसेट्स और लाइबिलिटीज में जो करंट एसेट्स है आपके है या करंट लाइबिलिटीज है उनको आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी जो है, सिंस दे आर पार्ट ऑफ द ऑपरेशन, आपको पता है जो मेन कैपिटल है वो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, लाइबिलिटी जो लॉन्ग टर्म में वो भी आपकी फाइनेंसिंग है, फिक्स एसेट जो है आपकी बैलेंस शीट में वो आपका क्या है, इन्वेस्टिंग है, उसके पीछे क्या बचा, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट में आपका डेटर है, स्टॉक है, ये सारी आपकी क्या कहलाएंगे, कहलाई जाएंगी ऑपरेशन में। लाइबिलिटीज में आपका क्रेडिटर है, बिल्स पेएबल है, ये सारा आपका क्या चला जाएगा, रेंट पेएबल है, ऑडिट फी पेएबल है, सैलरी पेएबल है, ये सारी आपकी करंट लाइबिलिटीज है। अब इनका आपने एडजस्टमेंट देखना है कि अगर ये बढ़ गई है, ये कम हो गई है, तो उससे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो मेरे को अभी कोई फॉर्मूला याद नहीं है, मैं लिखूंगा उसको लॉजिकली समझूंगा, फॉर्मूला खुद ही बनेगा। अब क्या हो सकता है, चार चीजें हो सकती है टोटल। अब क्योंकि करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज के बारे में, तो करंट एसेट या तो बढ़ सकता है या तो कम हो सकता है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर, एंड करंट लाइबिलिटीज के लिए भी यही चीज है, या तो बढ़ सकता है या तो वो कम हो सकता है। मेरे को अगर मैं बताऊंगा, मैं चार चीजें निकलेंगी, डिक्रीज इन करंट एसेट, ठीक है, इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, यही चीज हो सकता है बेटा। आप करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी की बात कर रहे हो तो यही हो सकता है, या तो करंट एसेट आपका बड़ा होगा पिछले साल के कंपैरिजन में, या तो करंट एसेट कम होगा, करंट लाइबिलिटीज भी या तो बड़ा होगा या तो कम होगा। नाउ आपको क्या निकालना है कि इसका इंप्लीकेशन क्या आ जाएगा, टू अराइव एट माई कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अभी जब आपने ऊपर कर लिया था ये चीज, इसका इंपैक्ट अगर आप देखोगे तो आया था 1 लाख माइनस 10 हजार, कितना होता है, 90,000 प्लस 5,000, 95,000 प्लस 10,000, 1,05,000। तो अभी तक आपको फिगर निकली थी 1,05,000, ठीक है बेटा। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, बट सिंस एक 15-20 दिन का गैप हो गया तभी मैं रिवाइज कर पाया इसको, ठीक है। अब डिक्रीज इन करंट एसेट की बात करें, डिक्रीज इन करंट एसेट, करंट एसेट मेरा कम हो गया है, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, मेरा जो स्टॉक था लास्ट लास्ट ईयर, अच्छा मैं एक और सिंपल एग्जांपल, मेरा जो डेटर था लास्ट ईयर वो 15,000 था, इस साल जो मेरा डेटर है अब वो 10,000 है, तो दिस इज डिक्रीज इन करंट एसेट। नातिका बेटा, जब मैंने डेटर की बात कर ली, अब डेटर मेरा पिछले साल 15,000 का था, इस साल 10,000 का है, इसका मतलब क्या हुआ, तो या तो बैड डेट हुआ या तो कैश आया है। या तो कैश आया है बैड डेट। अगर बैड डेट होता तो इसको मैंने कहां पे फैक्टरिंग किया होता, पीएनएल में फैक्टरिंग किया होता, वहां तो मैंने एज्यूम कर दिया सारा कैश था। अगर बैड डेट होता तो नॉन कैश एक्सपेंस होता तो मैंने उसको ऐड कर लिया था। उसके बगैर भी अगर ये चीज बढ़ी है, कम हो गई, इट मीन्स क्या आया, यहां से कैश आया, वहां तो आपने सिर्फ इनकम और एक्सपेंस को ही ले लिया ना, पीएनएल में आपने सिर्फ इनकम और एक्सपेंस को ले लिया, वहां से 1,05,000 आया। अगर इसके बगैर भी आपको कैश आया, वो तो आपको बैलेंस शीट से पता चलेगा, 1,05,000 इज आपका इनकम नेट जो आपको कैश में मिला, एग्री विद मी और नॉट, डेटर से पैसा आ रहा है क्या वो मेरी इनकम है। मैं एक सिंपल आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर मेरे डेटर के पास पैसा है तो क्या वो मेरी इनकम है, कौन कौन बोल रहा है वो इनकम है, कौन कौन बोल रहा है वो इनकम नहीं है, अक्रूड इनकम मुन्ना सा जवाब दे दो, इनकम ही है ना, डेटर के पास पैसा है तो इनकम है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इनकम, इनकम का मतलब क्या होता है। मैंने आपको 10,000 रुपया दे दिया मन दा, पर आप मुझे 10 दिन बाद वो वापस दे रहे हो, तो वो 10,000 जो आपने मुझे वापस, वो मेरी इनकम है, नहीं, तो आप यहाँ पे क्यों बोल रहे हो डेटर से पैसा आना मेरी इनकम। डेटर जब पैसा देगा एंट्री क्या करोगे, फोकस रखो, फोकस रखो, चौकन्ने रहो, एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस आंसर,
डेटर आपको पैसा देगा, डेटर के पास 5,000 रुपया पैसे थे, उसने दे दिया एंट्री, क्या करोगे? तो कैश अकाउंट है पे तो डेटर अकाउंट इसमें इनकम कहाँ आ गई? रेवेन्यू है, हाँ कौन बोल रहा है रेवेन्यू है भाई? डेटर से पैसा आना ना रेवेन्यू है, ना इनकम है, ना एक्सपेंस है। डेटर से पैसा आना इनकम कैसे हो गया? ये मेरे पैसे उसके पास थे, उसने वापस लौटा दिए। दिस इज चेंज इन द एसेट। एक एसेट आया, एक एसेट चला गया, मेरी बुक्स में डेटर था, डेटर काम हो गया, कैश आ गया, तो ये मेरी इनकम नहीं है। इनकम का मतलब होता है जहां पे आपको प्रॉफिट हो रहा है। मैंने किसी को पढ़ा लिया, उसने मुझे फीस दे दी, वो मेरी इनकम है। और वो जो फी की इनकम बुक करूंगा वो मेरा इनकम कहलाया जाएगा। वो फी में बाद में लूंगा, दैट्स नॉट माई इनकम। समझ लो इस बात को। मैं अगर ट्यूशन पढ़ाऊंगा तो मैं, दो तरीके हो गए, या तो मैं, वो डायरेक्टली मुझे फीस देगा तो मैं एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू ट्यूशन फी, यही करूंगा मैं, कैश अकाउंट डेबिट टू ट्यूशन फी 1,000 रुपया। तो ये ट्यूशन फी का अकाउंट जो है ना, इसका नेचर क्या है? ये मेरा इनकम है और कैश मेरा एसेट है। अकाउंट इक्वेशन में फर्क क्या आ गया आपका? एक आपका एसेट बढ़ गया और यहाँ पे आपका रेवेन्यू बढ़ गया या कैपिटल बढ़ गई, प्रॉफिट हो गया। तो जब डेटर ने मुझे पैसा दे दिया तो आप लोगों ने ये कैसे बोला कि डेटर जब पैसा देगा तो इनकम आएगी? डेटर जब पैसा देगा तो इनकम नहीं आती है। समझ आई मेरी बात? डेटर जब आपका पैसा देता है वापस, वो आपका आपका पैसा उसके पास होता है, वहां पे इनकम नहीं होती है। डेटर जब क्रिएट होता है वहां पे इनकम हो सकती है आपकी, जब आपने डेटर को महंगा भेजा होगा वहां पे आपका प्रॉफिट हुआ होगा। बट अगर आपको डेटर पैसा नहीं देगा वो आपकी लॉस है। क्यों? आपका उसके पास पैसा था जो वो खा रहा है, वो खाना पैसा का आपका लॉस है, वो आपका नुकसान है, वो आपका बैड डेट है। तो डेटर को पैसा देना आपका लॉस नहीं, इनकम नहीं है। समझ आई मेरी बात? तो वापस आ जाओ। तो मैंने यहाँ पे क्यों बोली थी ये बात को, कि ये जो 1,05,000 है, ये तो सिर्फ इनकम और एक्सपेंस की बात थी ना। अब ऑपरेशन एक्टिविटीज में कैश रिसीव फ्रॉम डेटर भी आता है। तो अब पता चला भाई डेटर ने मुझे 5,000 रुपया दे दिया है, तो डिक्रीज इन करंट एसेट जो है 5,000, इसको मैं क्या करूंगा? ऑपरेशन एक्टिविटीज से मुझे कैश ज्यादा आया कि कम आया है? कम कम आया, ज्यादा आया? ये मुझे 1,05,000 अभी पीएनएल को देख के मैं बोल रहा था कि भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मुझे 1,05,000 आया होगा। अब जब बैलेंस शीट देखा पता चला डेटर ने 5,000 दिया है, वो भी तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है ना, तो कितना आया होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से? 1,05,000 प्लस 5,000 डेटर ने और पैसा दिया है ना, जो मैंने अभी तक पीएनएल में फैक्टर नहीं किया था। पीएनएल में आपने क्या कंपेयर किया था? सेल परचेज, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो आपने एज्यूम किया था। डेटर तो उधर कहीं पिक्चर में आया ही नहीं था। आपने एज्यूम क्या किया था? कि सारी सेल आपकी कैश सेल है, सारी परचेज आपकी कैश परचेज है। तो जो डेटर सेल्स थी वो तो कैश था वहां से, बट इसके बगैर भी कुछ कैश आया ना जो डेटर ने डायरेक्टली दिया, जो पीएनएल में नहीं था। तो जो पीएनएल में नहीं था, बैलेंस शीट में था आइटम, वहां से अगर कुछ कैश आ गया है तो वो भी तो ऐड हो जाएगा ना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए। आ गया समझ के? नहीं आया समझ? यस सर, चलो अब दूसरा एग्जाम्पल देते हो और क्लैरिटी आ जाएगी। करंट एसेट की बात पकड़ लो, स्टॉक की बात है। स्टॉक मेरा था 25,000, ओपनिंग स्टॉक था मेरा 25,000, क्लोजिंग स्टॉक मेरा है 10,35,000। तो स्टॉक में कितना बड़ा है? 10,000। अब मुझे बताओ अगर स्टॉक में 10,000 बड़ा है तो मुझे बताओ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या हुआ है? इट मींस अभी तक जो भी था नेट कॉग्स, वो तो मैंने सारा कैश में माना था। जो नेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड था वो तो मैंने सारा कैश में माना था, ठीक है। अब मैं स्टॉक देख रहा हूँ, स्टॉक में भी और 10,000 रुपया फंसा हुआ है, तो इट मीन्स ये 10,000 रुपया भी क्या गया है? ये भी तो कैश में गया है ना? नहीं आ रहा समझ ना? दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मेरे क्या क्या फिगर आती है? मेरा ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है बेटा, मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, और मेरा परचेज है। मेरा ओपनिंग स्टॉक था 25,000, मेरा क्लोजिंग स्टॉक है 35,000, और मेरा परचेज है 5,00,000।
समझ लेना मेरी बात, जब आपने पीएनएल बना दिया तो आपने इस 5 लाख को क्या माना वहां पे, एज्यूम किया कैश, या आपने कैश में एज्यूम कर लिया। जब वहां पे आपकी सेल्स की फिगर थी जितनी भी वो फिगर थी, आपने इसको भी क्या माना, कैश माना कि नहीं माना, यस और नो? यस सर। तो आपने सेल्स को भी कैश माना, परचेज को भी कैश माना। तो मुझे बताओ कि जब आप इन दो को आप कंपैरिजन करोगे, ओपनिंग स्टॉक को और क्लोजिंग स्टॉक को कंपैरिजन करोगे, यहाँ पे क्या हो गया? ओपनिंग स्टॉक पिछले साल 25,000 था और क्लोजिंग स्टॉक 35,000 है। यहाँ पे तो 10,000 का क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया है ना, हाँ, इंक्रीज हो गए। इंक्रीज हो गया है। तो इस इंक्रीज को भी आपको क्या मानना पड़ेगा, ये भी कैश में हुआ है। ठीक, जब ये कैश में हुआ तो यहाँ पे जब इंक्रीज इन क्लोजिंग एसेट, क्लोजिंग स्टॉक स्टॉक हो गया, इट मीन ये भी कैश में हुआ है, ये भी कैश में हुआ है, तो इसको भी ऐड करना पड़ेगा। अब आपको क्वेश्चन आएगा कि सर ये जो क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक है, ये भी तो ट्रेडिंग अकाउंट में आया था ना, ये भी तो ट्रेडिंग अकाउंट में आया था ना, तो यहाँ पे जो जीपी था इनको ऐड करो, 8,35,000, 8,35,000, 5,25,000, ये आया ना। तो आप तो बोलोगे सर हमने तो सीधे ये 3,10,000 रुपया तो कैश में ही मारा ना, तो ये तो क्लोजिंग स्टॉक तो इसमें आ ही गया, ये आपको क्वेश्चन हो सकता है, नहीं हो सकता है, यस और नो? यस सर। किसका ये डाउट है? मैंने क्या बोला आपको कि अरे ये सेल तो आपका पीएनएल में था, ये परचेज भी पीएनएल में था, इसको आपने वहां ही फैक्टरिंग कर लिया। अब ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को कंपेयर कर लो बैलेंस शीट से, यहाँ देखो 10,000 का बढ़ा हुआ है, तो ये भी मान लो कैश में, तो इसको आपने ऐड करना है, लेस करना है, क्योंकि यहाँ से कैश गया हुआ। तो आप में से किसका ये डाउट आ गया सर ये ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक भी तो ट्रेडिंग अकाउंट में था, ये तो ऑलरेडी लेस हो गया, दोबारा से क्यों लेस कर रहे हैं? किस किसका ये डाउट था? मेरा हाँ मेरा बाथरूम का नहीं था ये डाउट? जल्दी बताओ कि सबको बाउंसर जा रहा है, अदरवाइज मैं ये नहीं हुआ, सबको बाउंसर जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल। हाँ कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगर आपको ये जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ ना लेक्चर, ये चीज अगर आपको समझ आए फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत आसान है। यहाँ ही बच्चे फंसते हैं, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट मुश्किल लग रहा है वो यही एक डाउट हो रहा है, मतलब ये जो है ना आपका वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट, यहाँ पर ही बच्चे फंस जाते हैं, तभी मैं आज दोबारा इसको रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अगर मैं दूसरा आगे पढ़ लेता ना फटाफट क्वेश्चन हो जाते, बट आपको कुछ समझ नहीं आता, मतलब तब बोल लगता आपको हाँ 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 आगे आगे, क्योंकि सर बोलते हैं ना सर, वो एक जोक आ जाता है ना कि भाई टीचर ने क्या पढ़ाया, 2 + 2 = 4, फिर क्वेश्चन जो होमवर्क सर देता है उसमें आता है 2 / 3 + 2 / 4, ये आता है। अरे वो तो सर बेसिस वाला सेम वाला बताया था, वो तो आसान था, यहाँ तो पावर्स भी डिफरेंट है, बेसिस भी डिफरेंट है, तो कैसे करूंगा इसको, तो फिर भी घर में आंसर करके कर ही लेता है। फिर एग्जाम में जाता है तो एग्जाम में तो कुछ और ही आ जाता है, 0.5 / 0.7 + 3.5 / 10 आता है ना, वो जो टीचर क्या पढ़ाता है, होमवर्क क्या हाँ देता है, हाँ एग्जाम में क्या आता है, तो वही वाली बात यहाँ पे भी हो जाता है। मैं अगर यहाँ पे अभी जल्दी जल्दी पढ़ जाता आगे, तो आप बोलते कि यार अभी तो थोड़ा समझ आ रहा है, जब खुद से करने लगते बाद में समझ आ रही यार ये तो मुश्किल हो रहा है, फिर जब पेपर देखते तब और मुश्किल लग जाता। तभी मैं ब्रेक ले रहा हूँ, अब मुझे कोई बता सकता है कि मैं इसको अलग क्यों बोल रहा हूं? इधर अगर आप देखोगे बेटा, यहाँ पे आप क्या करते हो, जब आप निकालते हो आप फॉर्मूला क्या करते हो, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड देते हो, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सेल्स कितना था 1 लाख, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो चीजें आपने भेजी उनकी कॉस्ट कितनी है, वो कैसे निकालते हो, उसका फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक डायरेक्ट प्लस परचेजेस, मतलब सपोज यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस थी तो मैं छोड़ रहा हूँ, प्लस परचेजेस, प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे अगर आप देखोगे आप ये जो स्टॉक बड़ा होता है उसको फैक्टरिंग नहीं करते, यहाँ पे देखो 25,000 + 5 लाख कितना होता है, या देखो ये 5 लाख तो परचेज है ही है ही, ये 5 लाख तो है ही परचेज, बट आपने क्या किया, 25 - 10 कितना होता है,
-25 कितना होता है? -10। कितना किया? -10 किया ना, 25,000 -35,000 कितना? -10। तो 5 लाख -10, 4,90,000 ही आपने खर्चा हुआ। तो यहाँ पे ये दो चीजें हैं, एक आपने 4,90,000 का माना और आपने क्लोजिंग स्टॉक अलग से रखा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक आपके पास अभी मौजूद है। तो ये 4 लाख अगर आपने देखा, तो आपने इस 5,000 को पूरा माना ही नहीं ना, आपने इस 5,000 को कितना माना? 4,90,000 ही माना। समझ आई मेरी बात क्या हो रहा है? यहाँ पे जब मैंने बोला कि आपने इस परचेज को कैश माना, तो आपने पूरा परचेज तो माना ही नहीं, बिकॉज आपने सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैश माना। व्हेन यू प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्या बोलते हो? सेल्स माइनस कॉस्ट इक्वल टू जीपी। ठीक है, वो जीपी जाता है फिर कहाँ पे? पीएनएल में। तो बेसिकली आप क्या मार रहे हो? इस जीपी को पूरा कैश मार रहे हो ना। समझ आ रही मेरी बात कि नहीं आ रही समझ? यस सर, अब जीपी को सारा कैश मार रहे हो, फिर जीपी को, फिर जाके एनपी को आप कैश मार रहे हो, फिर इसमें बोल रहे हो अच्छा एनपी में से नॉन ऑपरेशन को बाहर निकालो। तो कौन से आप अल्टीमेटली जीपी में जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग है, तो सारा जो अब इसमें फिगर्स थी सेल्स को, चलो आपने पूरा कैश मारा। अब कॉग्स को जब आप देखते हो, कॉग्स में आपका क्या है? ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस है, क्लोजिंग स्टॉक। अगर आप लॉजिकली देखोगे, मेरा ओपनिंग स्टॉक था 25,000, मेरा परचेजेस था 5 लाख, मेरा क्लोजिंग स्टॉक था 35,000, तो मेरा कॉग्स आ गया 4,90,000। तो आपने अल्टीमेटली 4,90,000 को ही कैश माना है ना, पीएनएल से आपने अभी तक जो बनाया सिर्फ 4,90,000 को कैश मारा, 4,90,000 को कैश मारा। अभी जो ये डिफरेंशियल बढ़ गया है, आपने बोला यार 25,000 का माल था पहले, अभी ये 35,000 हो गया है, अभी ये यही हुआ है ना, हो जो 25,000 का गया पहले माल था वो 35,000 हो गया है। तो आपने बोला जो मैंने 5 लाख का माल बेचा, खरीदा था, वो मैंने पूरा नहीं बेचा, उसमें से मैंने 4,90,000 ही बेचा है, उसमें से 4,90,000 था और 10,000 था, 4,90,000 बेचा, ये 10,000 अभी भी मेरे पास मौजूद है, पुराना 25,000 प्लस 10,000 हो गया 35,000 हो गया, ये मतलब हो गया। दो ही मतलब निकल सकते, या तो ये बोलूंगा भाई जो मैंने 25,000 का माल खरीदा था वो तो मेरा पूरा मौजूद है, इधर 5 लाख का खरीदा था उसमें से 4,90,000 मेरे पास मैंने बेचा है, 10,000 मौजूद है, पुराना 25,000 प्लस ये 10,000 टोटल हो गया 35,000। या दूसरा मतलब क्या निकलता है भाई, जो पुराना था या तो मैंने सेल कर दिया, है कि नहीं? अगर मैं ऐसा फीफो मेथड बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि पुराना मेरा 25,000 था, वो 25,000 मैंने पूरा बेच दिया, वो 25,000 मैंने पूरा बेच भेज दिया, दिया। अब जो नया खरीदा था 5 लाख का, अब मैं देख रहा हूँ मेरे पास 35,000 बचा है, तो ये कितना मैंने बेचा होगा? ये 5 लाख से मैंने अगर 35,000 मौजूद है तो 4,65,000 ही तो बेचा होगा ना, 4,65,000 ही तो बेचा होगा। नाउ अगेन 4,65,000 प्लस 25 कितना होता है? 4,90,000। मेरा कॉग्स ऑफ गुड्स सोल्ड 90,000। तो जब आप पीएनएल से फिगर लेते हो तो आप सिर्फ कॉग्स को ही लेते हो कैश में, बट जो तो बाकी बचा, बाकी जो बचा वो तो आप कंसिडर नहीं करते हो। तो सिमिलरली मैंने आपको बता दिया कि अगर ये 25,000 था, ये 5 लाख था, ये 35,000 था, तो आपने अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना लिया पीएनएल ट्रेडिंग अकाउंट में? 49,000, 4,90,000। बिकॉज बिकॉज 4,90,000 कैसे? यहाँ पे जब डेबिट हो गया, ये 25,000 भी डेबिट हो गया, ये 5 लाख भी डेबिट हो गया, बट क्रेडिट हो गया 35,000। तो 25,000 प्लस 5 लाख माइनस 35, अल्टीमेटली आपने 4,90,000 का ही खर्चा डाला पीएनएल में। तो पीएनएल में 4,90,000 फिगर हो गया। तो जो आपने 5 लाख परचेज किया था, इसमें से 4,90,000 आपने फैक्टर इन कर दिया पीएनएल में, जो आपने सारा कैश मारा है। पर जब आप बैलेंस शीट को देखोगे, वहां पे देखोगे भाई 10,000 का स्टॉक जो बड़ा है, अब इसको भी क्या मानना पड़ेगा? कैश मानना पड़ेगा, बिकॉज क्रेडिट में आप तो कोई परचेज मान ही नहीं रहे हो। तो स्टॉक जो बड़ा है ये भी आपको फिर कैश मानना पड़ेगा। तभी मैंने बोला कि यहाँ पे जो अब डिक्रीज इन स्टॉक हो गया है, डिक्रीज इन स्टॉक जो 10,000 है, इसको मैं क्या करूंगा? इंक्रीज इन स्टॉक जो है ये मैं मानूंगा ये मेरा कैश में गया है, तो इसको मैं लेस करूंगा। तो फॉर्मूला क्या निकला? डिक्रीज इन करंट एसेट में ऐड करूंगा और इंक्रीज इन करंट एसेट में लेस। अब आपको लॉजिकली समझ आया डिक्रीज इन करंट एसेट को क्यों ऐड करूंगा? याद रखना आपको डेटर वाली एग्जांपल,
डेटर अगर कम हो गया है, इट मीन्स डेटर ने मुझे पैसा दिया है। अभी जो पीएनएल वाली फिगर थी ये 1,05,000, तो इसमें इस चीज को मैंने अभी तक फैक्टर ही नहीं किया था, बिकॉज वो इनकम एक्सपेंस की बात रही। तो यहाँ पे भी मेरा कैश आया होगा 5,000, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मुझे 1,05,000 प्लस 5,000 होगा 1,10,000। फिर आपने जब स्टॉक की बात कर ली, स्टॉक में आपका बढ़ गया है स्टॉक, इट मीन्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आपका पैसा फंसा है, कितना फंसा है 10,000, तो उससे आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश कम आया होगा, तो कैश माइनस करना पड़ेगा, 10,000 माइनस करना पड़ेगा। अब उल्टा देखो, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, अगर आप करंट लाइबिलिटी कम हुई होगी, अब क्रेडिटर की बात ले लो, वहां पे आपने सारी परचेज कैश में मानी, जैसा लो पीएनएल में आपने सारी क्रेडिट अकाउंट में सारी खर्चे आपने परचेजेस को कैश में मानी, अगर अगर क्रेडिटर कम हो रहा है, इट मींस क्या हो गया, आपने क्रेडिटर को पे किया, यही मतलब हो गया ना भाई, परचेज आपने सारी कम मान ली, कैश में मान ली, फिर क्रेडिटर कम क्यों हो गया, इट मींस क्रेडिटर को आपने पैसा दे दिया है, तो पैसा दे दिया है तो कैश फ्लो फ्रॉम ओपनिंग एक्टिविटीज और कम हो जाएगा, परचेज से तो हो ही गया, वो वही बात आ गई। वहां पे आप क्या बोल रहे थे, कैश फ्लो फ्रॉम ओपनिंग एक्टिविटीज में आप बोलते थे भाई अगर मैंने पेमेंट टू क्रेडिटर कर ली तो मैं उसको माइनस करूंगा, मैंने कैश परचेज कर ली तो उसको मैं माइनस करूंगा। इनडायरेक्ट मेथड में उल्टा होता है, इनडायरेक्ट मेथड में आपने बोला जो जो मेरी नेट परचेज थी वो मैं कैश में मान लू, वो तो लेस हो ही गया वहां पे, उसके बगैर क्या बचा, आप जो आपने क्रेडिटर को परचेज कर ली वो आपको कहां से पता चलेगी, वो आपको बैलेंस शीट से पता चलेगी, भाई अगर क्रेडिटर कम हो गया है तो उससे आपका कैश कम हुआ होगा, तो अगर आपने क्रेडिटर को 6,000 7,000 रुपया दिया होगा तो डिक्रीज इन करंट करंट लाइबिलिटी को हम लेस करेंगे, सीधी सी बात है, अगर लाइबिलिटी कम हुआ है तो लाइबिलिटी को पे किया होगा, और करंट लाइबिलिटी है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है लेस हुआ है तो कैश फ्लो फ्रॉम ओपनिंग एक्टिविटी लेस करेंगे, ठीक है। उल्टा देखो आप, अगर करंट लाइबिलिटी बढ़ गई है, करंट लाइबिलिटी बढ़ गई है, इट मींस पीएनएल में खर्चा तो डाल दिया है बट वो नॉन कैश है, तो नॉन कैश एक्सपेंस को क्या करते हैं, ऐड कर लो, सपोज 3,000 का था रेंट पेबल, रेंट पेबल 3,000 से बड़ा है, पीएनएल में जब डाला था आपने सारा कैश में मारा था, बट वो कैश में तो है नहीं रियलिटी में, तो वो 3,000 ऐड करेंगे, तो ये सब जब आप करोगे 1,05,000 प्लस 8,000 माइनस 11,000, 1,05,000 प्लस 5,000, 1,10,000 माइनस 10,000 कितना होता है 1,00,000 माइनस 7,93 प्लस 3,96,000, तो कैश फ्लो फ्रॉम ओपनिंग एक्टिविटीज आपका 96,000। अभी आपको आई नो इट्स अ टफ कंसेप्ट टू डाइजेस्ट, बट मेरे को भी कोई जल्दी नहीं है, आपको भी कोई जल्दी नहीं है, हम इसको आसानी से करेंगे, इतना आसानी से करेंगे कि मैं नहीं चाहता हूँ जो धक्के मैंने खाए आपको धक्के खाए, या जो धक्के बाकी बच्चे खाते हैं मैं नहीं चाहता आपको धक्के, अगर सुधोते लगन त्रैदोते लगन सोते लगन, बट हम तभी आगे बढ़ेंगे जब हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। अब मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल लेता हूँ जिससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, बट आप सिर्फ 2 मिनट का ब्रेक ले लो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, 1-2 मिनट का ब्रेक ले लो, ठीक है, तब तक मैं ये बना लेता हूँ डायग्राम, फिर आपको क्लैरिटी आ जाएगी। यू जस्ट टेक योर आईज ऑफ फ्रॉम द लैपटॉप पे है या मोबाइल पे, तो जब मैं पुकारूंगा कि आप देख लो तब आप देख लेना, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, ठीक है, शाहवाती चुन हवाशी चुनदार की तिथे के तेरे से ना, ठीक है, बहुत बहुत शुभ सो रहे हैं।
चलो ब्रेक ले लिया। यस सर। अब आपको निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और डायरेक्ट मेथड से करना है। क्या करना है आप लोग? डायरेक्ट डायरेक्ट मेथड से देखो, सबसे पहले क्या देखोगे? कैश इनफ्लो, कहाँ कैश आउटफ्लो, से कैश आया है? आपको कैश सेल से आया, कैश कैश सेल से कितना रिसीव है? फ्रॉम 8 लाख। 8 लाख। ये हो गया। उसके बाद आपको कैश रिसीव फ्रॉम डेटर हो गया। बस ये दो आया है। जी कितना हो गया? 8 लाख। अब आपको 30,000 क्या लिखोगे? आउटफ्लो। आउटफ्लो, आउटफ्लो कहाँ कहाँ पे हो गया? कैश परचेज 5 लाख, 5 लाख, पेमेंट टू क्रेडिटर्स 20,000, पेमेंट टू क्रिएटर्स 20,000, सैलरी फिर है सैलरी पे पे 20,000। 20,000। ठीक है, इन तीनों को माइनस करो। 5 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 5 लाख। अच्छा तो इनफ्लो जो हो गया आपका ओपनिंग एक्टिविटी, तो वो 1,30,000 हो गया, और आउटफ्लो जो हो गया वो 5,40,000। तो आपका जो नेट कैश इनफ्लो है 2,90,000, कितना आपका? 2,90,000। 2 लाख। नहीं, डायरेक्ट मेथड ऐसे करते। अगर ये चीज इनडायरेक्ट मेथड से होती तो आपको नेट प्रॉफिट दिया होता। ठीक है, नेट प्रॉफिट को आप ऐड क्या करते? अगर आपको कोई भी नॉन ऑपरेटिंग वो सब चीज था, वो आपका कुछ था नहीं यहाँ पे, और लास्ट में फिर आप क्या करते? डेटर क्रिएटर उससे कंपेरिजन कर लेते। इंशाल्लाह वो क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये मैंने आपको डायरेक्ट मेथड से दिखा दिया। इनडायरेक्ट मेथड से क्या होता है, ये चीजें खुद ही कैंसिल होती है। आप ये भी मानते हो कि भाई ये कैश फ्लो कम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ये भी आप मानते हो कैश फ्लो कम ऑपरेटिंग है, और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर पेमेंट डायरेक्टली नहीं लेते हो आप, ये आप डायरेक्टली नहीं लेते हो। आप फिर कंपैरिजन कर दो कि एडिशनल आपने कितना पे कर लिया। वो इंशाल्लाह जब उस पर आ जाएंगे तब मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब एक बार जस्ट आप अपनी बुक पे आ जाए, इंशाल्लाह 1-2 क्वेश्चन वैसे आएंगे, जिसमें मैं आपको कोरिलेट करा दूंगा सारा। हम एक पूरा ट्रेडिंग अकाउंट लेंगे, वैसे भी करने की कोशिश करेंगे और डायरेक्टली भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? तो इसमें शायद इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 4 हमने ऑलरेडी किया था, तो मेरे पास एक क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, और उसको मैं ले लूंगा। और उसमें से एक चीज, हर एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे, इससे कैश गया होगा नहीं गया होगा, उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? तो मैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 को पढ़ लेता हूँ, अगर किसी के पास नहीं होगी बुक तो भी समझ आएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बाई इनडायरेक्ट मेथड। तो आपको इनडायरेक्ट मेथड से निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यू आर ऑल फोकस्ड टू बी ऑन टू आइडेंटिफाइंग व्हाट आर द ओपनिंग एक्टिविटीज और वहां से कितना कैश आता है। बट सिंस इट्स इनडायरेक्ट मेथड, तो यू विल हैव टू स्टार्ट विद द प्रॉफिट लॉस फिगर। अब इसने क्या दिया है कि सबके पास ये क्वेश्चन, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल 2017 में था 1,10,000, और 2016 में है 1,20,000। 1,10,000 है और 1,20,000 है। उसके बाद क्या है? अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल आपका डेटर है। अकाउंट रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? डेटर। वो पहले 62,000 थे, अब 50,000 है। सबके पास ये क्वेश्चन है कि मैं क्वेश्चन को लिखूं? हाँ सर, है मेरे पास है। बाकी बताओ, मैं लिख देता हूँ। दातुगुन 2017, 2016 सरप्लस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, पीएन 1,10,000, 1,20,000, 110, 1,20,000, 120। उसके बाद क्या है अकाउंट आपका? अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल का मतलब क्या है? डेटर और बिल रिसीवेबल, तो का करंट एसेट है। ठीक है, 50,000, 50,000। 62,000, उसके बाद क्या है? आउटस्टैंडिंग रेंट, फ्रीज बेटा, आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है मेरा? पर इसने ये क्लास आउटस्टैंडिंग रेंट ट्वेंटी कितना है? ट्वेंटी तो कोई पता फोर चलता है थाउजेंड आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है मेरा? गुडविल लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है। उसके बाद गुडविल। 80,000, 76,000,
प्रीपेड इंश्योरेंस 8,000 4,000 8,000 4,000 अकाउंट पेएबल 26,000 38,000 ये मेरा मतलब क्या हुआ? ट्रेडर को मिल सकती ट्वेंटी है कितना सिक्स थाउजेंड एंड 38,000 है ये मेरी सारी चीजें। अच्छा मुझे बताओ अकाउंट रिसीवेबल क्या है मेरा, मुझे जस्ट बताना करंट एसेट या करंट लायबिलिटी, करंट एसेट आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी करंट लायबिलिटी, प्रीपेड इंश्योरेंस करंट है, करंट अकाउंट एसेट पेबल करंट लायबिलिटी, गुडविल एसेट है ना इंटेंजिबल, तो इट्स नॉट माई करंट एसेट और करंट लायबिलिटी ठीक है। उसके बाद क्या है मेरा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, दिस इज माई नेट प्रॉफिट, यहां से मुझे पता चलेगा। अब एक ही करके लेते हैं, मुझे इनडायरेक्ट मेथड से निकालना है कि मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ओपनिंग एक्टिविटीज कितना होगा ठीक है। एक ही करके लेते हैं, मेरा जो सरप्लस है पीएनएल में वो लास्ट ईयर था 1,20,000 ठीक है, मेरा लास्ट ईयर कितना था, 1,20,000 अभी कितना है, लाइक 10 इसका मतलब क्या हुआ है? डिक्रीज इस साल अगर मेरा पीएनएल का जो सरप्लस है, मुझे पता है कंपनीज एक्ट में क्या होता है कि जो भी पीएनएल का बैलेंस होता है वो अक्रू होता जाता है पिछले साल से, फिर वो अनलेस अदरवाइज आप इसे अप्रोप्रिएशन करोगे डिविडेंड में या कुछ और में। पिछले साल 1,20,000 था, इस साल 1,10,000 है, तो 10,000 क्या हुआ है, कम हुआ है बड़ा है? कम अरे मैं बोल रहा हूँ मेरे पास पिछले साल जो पीएनएल में बैलेंस था वो 120 था, मतलब मैंने पिछले साल तक 1,20,000 कमाया था, आज बोल रहा हूँ मैं आज की डेट में मैंने 1,10,000 ही कमाया, इट मीन्स क्या हुआ इस साल, इस साल लॉस हुआ। कम लॉस हो गया तो मेरे को जब मैं बोलता था नेट प्रॉफिट, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेट लॉस नेट लॉस फ्रॉम पीएनएल, तो उसको मैं माइनस में दिखा दूँ 10,000, यस सर तो मैं आप बोल सकता हूँ मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 10,000 तो गया, ये क्या है ना, कैश फूंक दिया ना। अभी मुझे नहीं पता ये ऑपरेटिंग से नॉन ऑपरेटिंग से, बट अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये सारा, क्योंकि बिजनेस उसी लिए कर रहा हूँ, पीएनएल से प्रॉफिट कमाया ऑपरेटिंग से कमा रहा है, तो इट मीन मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 10,000 तो नेगेटिव है ही। अब मैं सबको लूंगा एक एक करके, अब अकाउंटिंग रिसीवेबल को देखो, यहाँ तो मैंने इम्पैक्ट ले लिया ओपनिंग माइनस ओके क्लोजिंग करके माइनस में आ गया, तो मतलब मेरा 10,000 का क्या हुआ है, कैश फूंक दिया मैंने ठीक है। अब देखो अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल जो है मेरा करंट एसेट है, ये मेरा बढ़ गया है कम हो गया, कम हो गए करंट कम हो गया है, तो ये मेरा क्या आएगा, डिक्रीज एसेट इन अकाउंट रिसीवेबल कितना है, 12,000। अब मुझे बताओ इस 12,000 जब मैंने दे दिया है, तो 12,000 से मेरा क्या हुआ होगा, कैश बढ़ गया होगा कि कम हुआ होगा? बढ़ गया हाँ होगा कौन बोला बढ़ गया होगा, ठीक बोला ठीक सॉरी बोला, डेटर्स मेरे कम को हो गए लॉजिक तो कैश लॉजिक आया चाहिए होगा सर, डेटर्स कम हो गए तो इटमीन्स डेटर्स ने पैसा दे दिया है, तो 12,000 आया होगा, तो 12,000 आया होगा तो उसको मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा, तो मैंने पॉजिटिव फिगर रखी उसको मैं ऐड करूंगा ठीक है। उसके बाद क्या है, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट मेरा क्या था पहले, 42 2016 में मेरा आउटस्टैंडिंग रेंट जो था वो 42 43 था, अभी 24 है, इट मीन्स पिछले साल का रेंट क्या है वो मैंने इस साल पे कर दूंगा एक्स्ट्रा, इस साल का रेंट तो पीएनएल पे गया होगा, बट उसके बगैर भी जो आउटस्टैंडिंग रेंट पिछले साल का था वो भी कम हो गया, लास्ट ईयर 42,000 था अभी 24,000 है, इट मीन्स 18,000 जो है मैंने पे किया होगा, डिक्रीज इन करंट आउटस्टैंडिंग लाइब्रेरी रेंट, इसको मैं क्या करूंगा ऐड करूंगा, इसको मैं माइनस करूंगा, इससे मेरा कैश गया होगा, तो 18,000 में माइनस करूंगा ठीक है, मैं लेस करूंगा। उसके बाद गुडविल है, गुडविल क्या है मेरा सर, गुडविल मेरा इंटेंजिबल एसेट है, हाँ इंटेंजिबल एसेट में अगर मेरा पहले 76 था उसमें मेरा अब 80,000 हो गया, तो 4,000 मेरा इंटेंजिबल एसेट में बढ़ गया। मुझे बताओ अगर आपका इंटेंजिबल एसेट में 4,000 बढ़ गया है, तो क्या आपने पीएनएल में डाला होगा उसको? आंसर इज नो, नहीं बिकॉज दिस इज माई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अगर मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाऊंगा तो मैं बोलूंगा 4,000 मेरा वहां पे आउटफ्लो हो गया, बिकॉज पहले मैंने गुडविल 76,000 की थी, आज की डेट में अगर मेरी गुडविल 80,000 है, 4,000 की गुडविल मैंने और परचेज की है,
बिकॉज गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स ओनली व्हेन यू पे फॉर द गुडविल. सो इफ इट गुडविल इज इंक्रीजिंग, इट मीन्स यू हैड पेड अमाउंट टुवर्ड्स द गुडविल, एंड सिंस इट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इट विल नॉट बी कंसिडर्ड इन द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. तो यहाँ पे ये चीज आएगा ही नहीं. डू यू एग्री विद मी आर नॉट? यस सर, कौन कौन बोल रहा है? यस सर, हमें समझ आ गया. गुडविल मुझे इस क्वेश्चन में कहीं पे नहीं लेना है, ये इससे मुझे कंफ्यूजन के लिए रखा है. हाँ जल्दी बताओ, मुझे एक ही आवाज सुनाई दे रही है. यस सर, आया समझ। क्या समझ आया कि यहाँ पे ये जो गुडविल 76 से 80,000 हुआ है, इसका मतलब क्या? पहले ये बताओ. इट मीन्स गुडविल बढ़ गई है. गुडविल कैसे बढ़ती है? क्योंकि अच्छे समझ किए हैं। बैलेंस शीट में पार्ट है, तो इट मीन्स आपने परचेज कर लिया. परचेज किया है गुडविल, तो वो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो वो हम अभी ओपनिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, यहाँ पे कहीं नहीं आ रहे. उसके बाद क्या है? प्रीपेड इंश्योरेंस. प्रीपेड इंश्योरेंस में 4,000 था, अब 8,000 हो गया. इट मीन्स आपने और इंक्रीज पैसा लगा दिया है. जितना पीएनएल में खर्चा जाना था वो गया तो गया, बट और आपने क्या किया? इंक्रीज इन करंट एसेट हो गया. इंक्रीज इन करंट एसेट को आप क्या करते हो? लेस करते हो. तो 4,000 से आपने और पैसा फंसा दिया, उसको भी आप लेस करोगे. इंक्रीज करंट है इन, सर, अब इसको नाम लिखेंगे ना बेटा, प्रीपेड इंश्योरेंस. प्रिपेयरिंग इंश्योरेंस है, नॉट उसके बाद क्या था? अकाउंट पेबल. पेबल। अकाउंट पेबल क्या हुआ है? कम हो गया. डिक्रीज इन अकाउंट पेबल 12,000. और ये 12,000 भी आपने क्या किया है? पे किया है. इससे भी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश जो है वो कम हुआ होगा. नेट इंपैक्ट देखो आप क्या हुआ. कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपका क्या हो गया? सिर्फ 12,000 आया है, बाकी ये सारा 10,000 गया, 18,000 गया. टोटल कितना हो गया? 10,000 और 18,000 कितना होता है? 28,000. 28,000 और 4 कितना होता है? 32,000. 32,000 और 12 कितना होता है? 44,000. 44,000 आउटफ्लो हुआ है, 12,000 इनफ्लो हुआ है. तो नेट इंपैक्ट क्या हुआ? कैश आउटफ्लो आपका 32,000 हुआ है. समझ आई सर, बात? यस सर, अच्छा मैं थोड़ा ट्विस्ट कर लेता हूँ क्वेश्चन में, मैं देखता हूँ कौन सा आंसर हो सकता है. बट उसके लिए पहली कंडीशन है, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आया? यस सर, एक ही आवाज आ रही है. क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आया? यस सर, बस सिंपल गुडविल क्वेश्चन. क्लास में चार सर, बच्चे, क्लास में 4 बच्चे, तो मुझे एक ही आवाज क्यों आ रही है? क्या आपको ये समझ आया? यस सर, कोई गुडविल के बारे में बोल रहा था, बताओ. सर गुडविल के केस में हम लोग एज्यूम नहीं कर सकते कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का केस, जब वहां पे नया पार्टनर आ जाता था वो गुडविल लेके आता था, और वो कैश, हम वो जो कैश लाता था वो हम बैलेंस शीट के कैश में ऐड करते थे। राम, वो कैश में करते थे बेटा, गुडविल में कहाँ ऐड करते? उसकी एंट्री बताओ मुझे. कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल गुडविल टू कैपिटल। नेवर एवर बेटा, गुडविल कभी रेज नहीं करता बुक्स में. अगर आप वो एंट्री भी करते हो ना, मैं बताता हूँ वो एंट्री होती है बेटा. बेसिक्स को स्ट्रांग रखो. कैश अकाउंट डेबिट वो स्ट्रांग है तुम्हें, बट अभी तुमने तो प्रीमियम 10,000 लाया. कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, ठीक है ना? 10,000, फिर इस प्रीमियम को डेबिट करते हो साथ में. प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ए टू बी. कौन? ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर है. जिस रेशियो में इनने सेक्रीफाइस किया, इनकी कैपिटल को क्रेडिट कर दो. प्रीमियम को हटा देते थे, कभी भी गुडविल पे नहीं लाते थे. गुडविल आपका बुक्स में तभी आएगा व्हेन यू परचेज फॉर द गुडविल. व्हेन यू परचेज द गुडविल तभी आपकी बैलेंस में आएगा. देख लेना एक बार बेटा, एडमिशन वाले टॉपिक को दोबारा से देखना. उसमें हम पढ़ते थे पहला केस कि नया पार्टनर जो है वो कैश में गुडविल ला रहा है. तो जब कैश में गुडविल लाएगा तो एंट्री क्या हो गई? अगर आपने एंट्री करनी है तो कैश आएगा बिजनेस में, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम. और इस प्रीमियम को बोलते थे ये बिजनेस का इनकम नहीं है, ये उन दो पार्टनर को देना है. तो इस प्रीमियम को डेबिट करके उनके अकाउंट में क्रेडिट करते थे. या दूसरा तरीका होता था, वो डायरेक्टली उनको कैश देता था. उसमें हम बोलते थे यार मुनाजा के पास तो एक पैसा आया नहीं, तो डायरेक्टली उनने उनको दे दिया, तो नो अकाउंटिंग एंट्री. या अगर आएगा भी तो कैश अकाउंट डेबिट उनके कैपिटल में क्रेडिट करेंगे, इसके कैपिटल में क्रेडिट नहीं करेंगे. तो कभी भी बेटा गुडविल को हम ना डेबिट करते थे ना क्रेडिट करते थे, ठीक है? और अगर आप बोलते थे गुडविल अकाउंट डेबिट क्रेडिट, तो गुडविल तो बढ़ी जाती थी ना, कैश अकाउंट डेबिट गुडविल. यहाँ पर गुडविल क्रेडिट मतलब एसेट कम करना है, वहां गुडविल को हम कुछ भी नहीं करते बेटा. समझ आई बात? एक बार जस्ट उस चैप्टर को रिवाइज कर लेना, आपको क्वेश्चन दूर हो जाएगा. तो अगर आपको और क्वेश्चन नहीं है तो मेरा एक क्वेश्चन है, पूछू गुडविल को यस सर, लेके. अब मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा क्वेश्चन को, बाकी सब फिगर सेम है, सब फिगर सेम है. यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, उसको उल्टा करता हूँ.
मेरा गुडविल पहले 80,000 था, अब गुडविल मेरा 70,000 हो गया। अब बताओ क्या होगा। यूज वाइन टेनिस चॉकलेट सही। सर इसमें मैं सर कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, क्योंकि हम कर रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी और ये है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। पॉइंट नोटेड। नातिका का कहना नो इम्पैक्ट। अभी 3 बच्चे 2 बच्चियां हो गए मैंने सब मुनजा। सर ऑपरेटिंग पे सच में इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन अब मैं अगर कैश ऐसे फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कर रहा हूँ। आई एम ओनली कंसर्न अबाउट कैश फ्लो फ्रॉम। मेरा पॉइंट है अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, मैंने कुछ को चेंज नहीं किया, मैंने सिर्फ गुडविल को रिवर्स कर दिया, 80,000 को 70,000 कर दिया, मेरे को बताओ आंसर 32 आएगा चेंज हो जाएगा। नातिका का आंसर है दो होगा। मुनजा एंड साहिबा नहीं इम्पैक्ट आएगा इम्पैक्ट नहीं आएगा। आएगा, हाँ नहीं आएगा, नहीं कौन बोला ये मुनजा साहिबा इम्पैक्ट आएगा नहीं आएगा। आएगा। नो सर, तीनों बोल रहे हैं कि नो इम्पैक्ट। भैया जगन्नाथिका ये तो ऑल द स्टूडेंट्स सेइंग नो इम्पैक्ट। ये नो इम्पैक्ट क्यों बोला आप लोगों ने? बिकॉज आपने ना करेंसी के एक ही पहलू को याद रखा कि गुडविल इंटेंजिबल है। गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा नहीं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी यही है ना, ये आप ध्यान में रखो। हाँ सर, इतना ही नहीं देखना होता है, थोड़ा और डिटेल में देखना होता है, थोड़ा और डिटेल। अब कैसे, अब देखो मैं कुछ बोलूंगा, आप खुद ही बोलोगे नहीं सर इम्पैक्ट आएगा। मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आप खुद ही बोलोगे। देखो मुझे बताओ, सबसे पहले फोकस करो, गुडविल है द आंसर इज यस, यस। गुडविल पिछले साल कितना था? 80,000, 80,000। अब गुडविल कितना है? 70,000 गुडविल बड़ा है कि गुडविल कम हुआ है? कटा है, हाँ कम हुआ कम है। हो गया गुडविल। मुझे बताओ बेटा, अगर एक इंटेंजिबल एसेट कम हो गया है तो इसका क्या मतलब है? अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन, कितने बोला ये बात? सही हुआ। साहिबा बेटा, अगर ये अमोर्टाइजेशन नहीं है, आपने अपने दिमाग से बता दिया, अब मुझे बताओ अमोर्टाइजेशन का मतलब क्या हो गया? इट इज एज गुड एज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन है 10,000, तो जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में ये अमोर्टाइजेशन का खर्चा गया होगा, इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। मैंने पीएनएल में एक नॉन कैश एक्सपेंस लेस किया है, वो नॉन कैश एक्सपेंस को मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो इतना ही नहीं देखना है फिक्स्ड एसेट के लिए कि वो कम हुआ है बढ़ गया है तो इनटेंजिबल है बेटा, उसमें डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन के एंगल से भी देखना है। फिक्स्ड एसेट के केस में टेंजिबल के केस में डेप्रिसिएशन होगा, इनटेंजिबल के केस में एमोर्टाइजेशन होगा, और दोनों पीएनएल से लेस हुआ होगा। मेरे को कैश प्रॉफिट निकालना है तो कैश प्रॉफिट तो ज्यादा होगा, तो नॉन कैश एक्सपेंस को ऐड करना पड़ेगा। तो अब क्या होगा, ऐड करूंगा एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल 10,000, तो ये मेरा आएगा 22। समझ आया? समझ आया कि नहीं आया? समझ? आपने ऐड किया ना, ऐड ऑफ अमोर्टाइजेशन, ये फिर से बोले। देखो बेटा, मैंने आपको बोला कि ये कम हो गया, द आंसर इज यस। मैंने आप लोगों से पूछा क्यों कम हुआ होगा, आपने बोला सर अगर एक इंटेंजिबल एसेट को मैंने कम किया है, इट मीन्स मैंने उसको एमोर्टाइज किया होगा, तो मैंने एंट्री की होगी एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। तो साहिबा बेटा ने बोला सर हमने ये एंट्री की होगी एमोर्टाइजेशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू गुडविल, गुडविल को क्रेडिट किया, गुडविल कम हो गई। सर ये अमोर्टाइजेशन को मैंने पीएनएम लिया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 10,000 टू अमोर्टाइजेशन 10,000। अब मेरा प्रॉफिट लॉस में नेगेटिव फिगर आ रहा है 10,000, मुझे निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन मैंने आपको बोला था जो नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल था, उसमें आप नॉन कैश एक्सपेंस कुछ अगर इसमें से लेस हुआ उसको ऐड करो, बिकॉज वो कैश तो गया ही नहीं है ना आपका। तो एमोर्टाइजेशन को 10,000 का खर्चा जो आपने माना है वो खर्चा तो है बट कैश में नहीं हुआ है, कैश तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ज्यादा है ना, तो वो 10,000 को ऐड करना पड़ेगा। जिस तरह से आप डेप्रिसिएशन को ऐड करते थे वहां आपको लॉजिकली समझ आएगा, उस तरह से अमोर्टाइजेशन को भी ऐड करना पड़ेगा। वहां डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट के लिए, तब भी बोलते ना कि सर डेप्रिसिएशन को ऐड करना है, ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। नहीं, वो आपका ऑपरेशन में लेस हुआ है ना, पीएनएल में लेस हुआ ना, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में से लेस हुआ ना, तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपने ज्यादा कमाया था, कमाया था नहीं कमाया था, तो आपने वहां से देखना वहां से कितना कमाया था। तो ऑपरेशन से तो आपने ज्यादा कमाया था, है ये पर्टेन कर रहा है इंटेंजिबल के लिए,
है या पर्टेन कर रहा है टेंजिबल के, है या पर्टेन कर रहा है इन्वेस्टिंग के लिए, बट किसकी वजह से, मैं जो ऑपरेटिंग में अभी निकाल रहा हूँ वहां पे मैंने 10,000 लेस किया है, तो ऑपरेटिंग से मुझे उसको ऐड करना पड़ेगा। कैश तो नहीं गया हो ना, कैश तो ज्यादा आया है तो कैश ऐड करना पड़ेगा। समझ आया बात? आज आपका कोई होमवर्क नहीं है, मन किया तो कुछ थोड़ा सा पढ़ लेना, मन किया तो खुद से कुछ क्वेश्चन होमवर्क करना, मेरी तरफ से कोई होमवर्क नहीं है। आई डू वॉन्ट टू मेक यू बाउंड बाय दिस, बिकॉज आपका अपना कुछ कमिटमेंट हो सकता है, आपके बाकी रीजन से मैं उनमें खलल नहीं डाला जाता, बट अगर आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ रही है कि नहीं हमें और कल और समझना है, तो उसके लिए बेटर ये रहेगा कि आप थोड़ा सा थ्योरी को पढ़ लो, एक आध क्वेश्चन खुद कर लो, बट कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। करना चाहो तो गुड, नहीं करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, कल मैं यहाँ से आगे स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही रख लेते हैं, 1 घंटे से ज्यादा की क्लास हो गई, इंशाल्लाह कल दोबारा मिलते हैं। ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि कुछ डाउट्स होंगे आपके, बिकॉज अभी क्या दिक्कत आ रही है, आई एम एबल टू कनेक्ट द डॉट, है ना, यू पीपल आर नॉट एबल टू कनेक्ट द डॉट। आपको दिक्कत हो रही है, लतीफ सर ने तो अभी तक बोला था यार बैलेंस शीट में सिर्फ करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को देखना है, हम तो उसी पे फोकस कर रहे थे, हमने तो गुडविल को इस एंगल से देखा नहीं। ये दिक्कत आएगी बेटा, ये मेरे साथ ध्यान रखें। मैं जस्ट लुकिंग एट माई फेसबुक पोस्ट फ्यू डेज बैक, तो 2011 की बात है, जब मेरा अकाउंटेंसी का 12th का पेपर था, एंड मैंने पोस्ट डाला था अरे यार वो ये डेबिट क्रेडिट ने मेरा जीना हराम कर दिया मेरे, मतलब इमेजिन कर रहे हो, मैं 12th में था और मेरा 12th का पेपर था, और उससे पहले मैं डाल रहा हूँ यार इस डेबिट क्रेडिट ने मेरा जीना हराम कर दिया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आपको तो मतलब मेरे को उस वक्त रखो आप, और अपने आप को मेरे उस वक्त के लतीफ के साथ कंपेरिजन करो, अब वो कितना ज्यादा आता है। आपको अभी लग रहा है यार लतीफ सर को इतना आता है हमें नहीं आता है, बट मैं आपसे आगे 12 साल और हूँ, 12 साल में बहुत कुछ पढ़ लिया हूँ, तो तभी आप अभी कनेक्टिंग द डॉट्स नहीं कर, कनेक्टिंग ऑफ द डॉट्स नहीं कर पा रहे हो, तो आपको घबराना नहीं है, आहिस्ता 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 समझ आएगा। छोटे बच्चे को, मेरा भतीजा अभी बैठा हुआ है साइड में, उसको मैं अभी कुछ बोलूंगा इसको तो सारा बाउंसर जाएगा ना, बट अपने अपने स्टेज में थोड़ा थोड़ा दिमाग में जाएगा, बेटर क्या है जितना जल्दी दिमाग में जाएगा, बट नहीं भी जा रहा है तब भी ऐसा पैनिक कभी नहीं होना लाइफ में कि कुछ मुश्किल है और उसके बेस पर डिसीजन ले लोगे कि नहीं ये नहीं करूंगी मैं, वो नहीं करूंगा लाइफ में, कुछ नहीं है, सब आसान है लाइफ, अपने वक्त वो दिमाग में जाएगा, तो कूल रहो, कोई टेंशन मत ले लो, हम इसको आराम से करेंगे, और एक दिन आएगा मतलब विद इन 10-15 डेज एक दिन आएगा, आप बोलोगे यार कैश फ्लो स्टेटमेंट तो बहुत अच्छा, बट कौन कामयाब हो जाएगा जो तब तक पूरी कंसिस्टेंसी दिखा देगा, नहीं मेरे को अगर 10% ही समझ आ रहा है लेक्चर में तब भी बैठूंगी लेक्चर, पूरा बैठूंगी पूरा सुनूंगी फिर पढ़ूंगी। अब देखो ये चीज आपको बहुत आसान लगेगी, जरूरत है वो लॉजिक जो अभी मेरे दिमाग में पूरा है वो आपके दिमाग में डाल देना, आहिस्ता आहिस्ता वो हो जाएगा। ठीक है, टेंशन में यस नहीं होती, हाँ थोड़ा मुझे लग रहा है आपके जो आपकी आवाज से आ रही है बहुत धीमी धीमी से आ रही है, टेंशन मत ले लो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है लेकिन सर जी, सर आपने आपको भी पॉइंट बोला ना, इन्वेस्टमेंट वो है ना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उसको क्या लेना देना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, आपने क्यों उसका लेस उसका उसका एक लेना देना है, वो हाँ इसलिए है कि बिकॉज मैं जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है वो डायरेक्ट मेथड से नहीं निकाल रहा हूँ, इनडायरेक्ट मेथड से निकाल रहा हूँ। जब मैं इनडायरेक्ट मेथड से निकाल रहा हूँ तो मैंने बेस लिया है कि पीएनएल में कितना कम हुआ है, पीएनएल में जब 10,000 कम हुआ है तो मैंने बोला कि भाई पीएनएल में 10,000 लेस हुआ है, तो मैंने बोला मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है वो -10,000। ठीक है, क्योंकि ठीक मैंने पीएनएल सारे पीएनएल को बेस लिया और बोला कि भाई नेट फिगर अगर -10,000 है इट मीन्स मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से 10,000 चला गया क्या है। बाद में जब मैंने इसको पीएनएल को एनालाइज किया, अभी आपके पास पीएनएल नहीं था, आप विजुअलाइज करो आपके पास पीएनएल है, पीएनएल में आपको एक खर्चा दिख रहा है अमोर्टाइजेशन का 10,000, तो पीएनएल के आइटम को वहां पे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना भाई, ये 10,000 का खर्चा जो लेस हुआ है इससे थोड़ी कैश गया होगा, वन इज योर प्रॉफिट, वन इज योर कैश फ्लो, योर प्रॉफिट एंड योर कैश फ्लो विल बी डिफरेंट, दैट इज द रीजन कि आपका पास प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है और कैश फ्लो होता ही नहीं है, बिकॉज वो कैश इनफ्लो एक जगह आया होता है ऑपरेटिंग से, वहां से इन्वेस्टिंग में फंसा होता है जब आप एसेट में अकाउंट करो, यहाँ पे आपके पीएनएल में सारी फिगर्स नहीं थी बट मैंने आपको डिड्यूस कराना दिखा दिया गुडविल से, बट इमेजिन करो आपके पास पीएनएल है सारा, पीएनएल में आपको अमोर्टाइजेशन का खर्चा 10,000 दिख रहा है, तो क्या करोगे, उसको ऐड करोगे नहीं करोगे यार। नातिका आपसे पूछता हूँ, पीएनएल में हाँ आता है 10,000 का खर्चा अमोर्टाइजेशन नाम से गया है 10,000 का, दैट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, तो उस नॉन कैश एक्सपेंस को आप ऐड करोगे कि नहीं करोगे, एड ऐड करोगे, वही मैंने भी किया। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने इसको डिड्यूस किया, मैंने डिड्यूस किया किससे, मैंने बैलेंस शीट में देखा गुडविल है, गुडविल कम हुई है, गुडविल कम क्यों हुई होगी, अमोर्टाइजेशन हुआ होगा, अमोर्टाइजेशन हुआ होगा तो पीएनएल में वो लेस हुआ होगा, पीएनएल में जो मेरे पास फिगर आ रही है वो लेस होके आई है, तो मैं उसको एड बैक करूंगा,
ये चीज काश अगर पीएनएल होती तो आप खुद ही बोलते कि ये ऐड करेंगे, पर पीएनएल नहीं थी। इस चीज के लिए आपको और मेहनत करनी थी, आपको बैलेंस शीट से इसको आइडेंटिफाई करना था भाई ये कहाँ से आया होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। ठीक है बेटा, ठीक है नादिका बेटा, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? थोड़ा समझ आया, कोई दिक्कत नहीं है। जितने हम क्वेश्चन करेंगे ना उतनी क्लैरिटी आ जाएगी, टेंशन मत ले लो आप। जितना दिमाग में जा रहा है ना उसको जाने दो, रिलैक्स हो। बाकी जो आप पढ़ रहे हो प्लीज, मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, अभी मैं अकाउंटेंसी पढ़ा रहा हूँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका बाकी दिन में कहीं ख्याल नहीं आना चाहिए, अल्लाह अदरवाइज आप कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रहे हो। मेरी बात समझ आई क्या मैं बोल रहा हूँ बताओ? आप सुबह अकाउंटेंसी पढ़ोगे या सुबह आप कुछ बिजनेस पढ़ोगे, तब इस चीज को जहन में नहीं लाना कि कैश फ्लो स्टेटमेंट मेरा मुश्किल जॉब है, जहन में आना ही नहीं चाहिए। आप पार्टनरशिप पढ़ रहे हो, आप कंपनी अकाउंट्स पढ़ रहे हो, तब कैश फ्लो स्टेटमेंट जहन में नहीं आना चाहिए। कंपनी अकाउंट्स को वैसे ही लियो जैसे अभी तक किया था, सबको वैसे ही लियो जैसे अभी तक कर लिया था। बट हाँ, अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट कर रहे हो तब फोकस आना चाहिए, कैश फ्लो मुश्किल तो मुश्किल है, यहाँ पे ख्याल रखना पड़ रहा है, अदरवाइज वो भी भूल जाओगे, वो बाकी चीजें भी भूल जाओगे अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट जहन में रहा। कब तक? 10-15 दिन तक। उसके बाद कभी भी कुछ भी सोच लो उसके बारे में, तो फिर घबराने की बात नहीं होगी। कभी कभी इंसान, किसी इंसान का कोई सदमा होता है ना, किसी का कोई करीबी मर जाता, फिर उसको क्या बोलते हैं भाई? इसके बारे में मत सोचो, क्योंकि जितना सोचोगे ना उतना पर डिप्रेस हो जाओगे। सेव द कैश विद द कैश फ्लो स्टेटमेंट राइट नाउ। इसके बारे में और सोचोगे तो और क्या सोचोगे, तो सोचो मत अभी, सोचो तब जब इसको पढ़ रहे हो। ठीक है, तो अभी नातिका आई होप थोड़ा समझ आया आपको कि मैंने इसको ऐड क्यों कर दिया। इंशाल्लाह 10-15 क्वेश्चन और करेंगे ना तो आप खुद ही बोलोगे सर हाँ ऐड होना चाहिए, बस वो थोड़ा सा फर्क है, वो कनेक्ट द डॉट कराना है, वो जो मैं अभी नहीं करा रहा हूँ, शायद मेरी बदकिस्मती है मैं उतना अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ, बट आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह वो आपके दिमाग में जाएगा। ठीक है, चलो गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। आई होप और किसी का कोई डाउट नहीं है ना, चीनी पर नातिका सिन्द्री फिरोज याद को लेफ्ट। ठीक है नातिका, चलो ठीक है, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। नो।